सब्सक्राइब करें स्मार्ट इन्फोटेक चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्मार्ट इन्फोटेक में। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ मक्का मोनसेंटो 9081 के बारे में कि मक्का मोनसेंटो 9081 किस तरह इल्लियों से क्षतिग्रस्त है। इस साल वर्मीफॉल इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है मक्का में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इल्लियाँ मक्के को चट कर रही है और किसे नुकसान पहुंचा रही है। तो अगली आवाज़ होगी हमारे किसान भाई की, जो आपको बताएंगे कि मक्का में किस तरह से उपयोग करें और किस तरह से दवाई डालें, कौन सी दवाई डालें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिले और आपकी मक्का की पैदावार अधिक हो। ये मक्का की फसल, इसमें बर्मी फॉल इल्ली का बहुत ज़्यादा प्रकोप आया था, पर सिंजिंटा कंपनी के बाटिको से कंट्रोल हो गया है। अब देखिए, आपको कहीं कोई इल्ली नहीं है, लगभग छाती छाती आ गई है ये, और अब बढ़िया उसमें नई कोपले आ रही हैं और बहुत बढ़िया लगी हुई है। अभी मैंने एक बार यूरिया दिया है इसमें, अब फिर दोबारा दूंगा। देखिए, बहुत बढ़िया शानदार दिख रही है पूरी मक्का। इसमें ये वाली इल्ली आई थी जिसने बहुत नुकसान किया है, ये देखिए, ये इसकी पोंगली को बढ़ने ही नहीं दे रहा था, यहीं पे खा रही थी। अब तो मर गई है, उसमें इल्ली नहीं है। इसने मक्का को बहुत नुकसान किया है क्षेत्र में। ये देखिए इल्ली, ये मरी हुई है और मर जाएगी ये। इसने बहुत क्षेत्र में, बहुत एकड़ फसल ख़राब की है, लोगों ने हरी की हरी बढ़िया बखर दी है, पर अब इसका इलाज है सिंजिंटा कंपनी की। मैंने इसकी फोंगली में डाली थी, अब देखिए ये इसमें जैसे नई कोपल आ रही है और मक्का बढ़िया लगी हुई है। इसमें भी देखिए ये बढ़िया बड़ा बढ़ रही है। सिंजिंटा कंपनी की बाटिको दानेदार फार्म में है, हर फोंगली में डालना पड़ता है, इल्लियाँ मर जाती हैं। और मेरे को अभी ये 15 दिन होने को आए हैं, इल्ली रिटर्न नहीं आई है। कहीं कहीं जो पौधों में डलने से रह गई थी उनमें ही थी, तो उनमें भी मैंने डबल डाल दी है और अब मेरी मक्का की फसल बहुत शानदार लगी हुई है। और ठंड की मक्का की फसल लगभग 50 के आसपास, 45 से लेके 50 55 तक, और हमारे गांव में तो कुछ लोगों ने 60 कुंटल तक का उत्पादन लिया है। ये पूरी खा गई थी, ये दिख रही होगी आपको इल्ली ने, पर अब मर चुकी है तो वो नई कोपलें आने लगी। ये देखिए नया, अभी कोई खाया हुआ नहीं दिख रहा है। यह थी हमारी पूरी जानकारी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।